नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में आज बात होगी बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी और दोनों पार्टी की सियासी कश्मकश की, और उसके साथ साथ दोनों का जो फोकस अब किस बात पर है इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और फोकस जो दोनों पार्टियों का किसी बात पर है तो वो है चुनाव पर। 2018 के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2019 में लोकसभा की बिसात बिछने वाली है। तो अब दोनों ही पार्टी जो है काउंटडाउन को देखते हुए यही तय कर रही है कि अब किस तरीके से ग्राउंड पर काम किया जाए, जनता में पैठ बनाई जाए, जनता में विश्वास पैदा किया जाए ताकि इस सब को वोट में तब्दील किया जा सके। तो बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जयपुर आते हैं और ग्राउंड रियलिटी और भाजपा की नब्ज टटोलते हैं और कई सारे निर्देश देकर यहां से जाते हैं। और इस सबके पीछे की कवायद सिर्फ एक, चुनाव। चुनाव में किस तरीके से वापस से सत्ता में आया जाए, क्योंकि बीजेपी जो है 180 प्लस का मिशन लेकर चल रही है। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो वापस से मिशन 25 पर काम कर रही है। कितना यह सार्थक होगा, कितना सकारात्मक होगा, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो वहीं बात कांग्रेस की भी करेंगे, क्योंकि कांग्रेस जो है राहुल गांधी के निर्देश के ऊपर दिल्ली में एक अहम बैठक करती है। सभी बड़े पदाधिकारी, नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी इस बैठक में शामिल होते हैं और उसके साथ साथ 100 समन्वयक भी, 100 विधानसभा क्षेत्र के समन्वयक भी इस बैठक में शामिल होते हैं। और यहां पर भी कवायद इसी बात की कि ग्राउंड में, गांव ढाणी में कांग्रेस को किस तरीके से मजबूती दी जा सके ताकि जवाब जो है बीजेपी को दिया जा सके। और जो परंपरा प्रदेश की रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उसी परंपरा को वापस से चरितार्थ किया जा सके और सत्ता में आ जा सके। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर मंथन दोनों पार्टियों में चल रहा है। आला नेता जो है, आला कमान जो है, वो लगातार इसी मूड में, इसी कवायद में कि किस तरीके से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में लौटा जा सके, तो इसी चीज की कवायद है। अब किस तरीके से पार्टी और पार्टी के लोग इस सारी कवायद को ले रहे हैं इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले जन टीवी की नजर से एक स्टोरी आप देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का 3 दिवसीय जयपुर दौरा न केवल पार्टी को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया गया, बल्कि अगले साल चुनाव का सामना करने वाली वसुंधरा सरकार के कामकाज का भी शाह ने आकलन किया। 3 दिनों तक शाह ने हर मंत्री के कामकाज की समीक्षा की, साथ ही बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर आला पदाधिकारी और साधु संतों के साथ भी मुलाकात की। अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनावी जीत के मंत्र भी दिए। वसुंधरा सरकार हाल के दिनों में मुश्किलों में घिरी नजर आई थी। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद उपजे राजपूत आंदोलन के तुरंत बाद अमित शाह का यहां आना ये संकेत भी देता है कि वो भाजपा की नब्ज चेक करने आए थे। इधर प्रदेश कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस को एहसास है कि 2018 का विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए कितना अहम है। चुनावी मैदान की रणनीति को लेकर ही सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश की 100 विधानसभा क्षेत्रों के समन्वयक शामिल हुए। साथ ही पीसीसी चीफ सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अविनाश पांडे मौजूद रहे। शाह के दौरे के तुरंत बाद दिल्ली में हुई इस बैठक का उद्देश्य भी पार्टी की चुनावी रणनीति तय करना था। जो प्रभारी सचिव है और 3 जनरल सेक्रेटरीज थे, अशोक जी, सीपी जोशी साहब एंड मोहन प्रकाश जी, ये लोग सब मिलकर के कर रहे हैं कि वो मैसेज एक ही है, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ में हर लड़ाई में आगे रहे, जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही अच्छा काम चले। इसमें ये एक सतत प्रक्रिया है संगठन की गतिविधियों के बारे में, और इसी को लेकर आज जो है हमारे जो प्रभारी अविनाश पांडे जी और हमारे 4 सेक्रेटरीज और पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट जी, सीपी जोशी जी, अशोक गहलोत जी, मोहन प्रकाश जी, हम सारे जो है नेता बैठ के आपस में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करी कि आने वाले समय के अंदर हमारा संगठन और किस तरीके से मजबूत हो, हमें आज के समय के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या करना है, उस बात पर विस्तृत चर्चा हुई। नो डाउट हमारे संगठन को फायदा होगा, संगठन को मजबूती मिलेगी।
बीजेपी 2018 के चुनाव में 180 और 2019 के आम चुनाव में 25 का टारगेट लेकर चल रही है। वहीं सीटों के मामले में अब तक के सबसे कम स्तर पर पहुंच चुकी कांग्रेस आने वाले चुनाव को जीवनदान की तरह देख रही है। जैसे जैसे चुनावी साल और नजदीक आएगा, आला नेताओं के सियासी दौरे भी बढ़ेंगे और बैठकों का दौर भी तेज होगा, लेकिन चुनावी दंगल में वही विजयी रहेगा जिसने प्रदेश की आम जनता के दिल में अपने काम से जगह बनाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो कवायद जो है वो चाहे कांग्रेस हो और चाहे बीजेपी, दोनों तरफ से चलती हुई नजर आ रही है। चलिए अब इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए आला कमान जो है वो कोशिशें करता है क्या, ग्राउंड के ऊपर इतना काम नहीं हो पा रहा है क्या, केवल जो राजनीति है वो संभाग मुख्यालयों पर या फिर राजधानी में बैठकर ही की जा रही है, आखिर गांव ढाणी में क्या राजनीतिक दलों की जो कवायद होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रही है, चिंता आला अधिकारियों को, आला जो पदाधिकारी सियासी दलों के उनको क्यों होने लगती है चुनाव से पहले, क्या केवल धरातल पर काम नहीं होता, क्या यही एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हुई नजर आ रही है। चलिए हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ रहा है और बीजेपी से लक्ष्मीकांत पारिक साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से संगीता गर्ग जी और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले लक्ष्मीकांत पारिक साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। जिस तरीके से अमित शाह का दौरा देखने को मिला है, क्या माने 3 दिन तक वो यहां पर रहे और बीजेपी की नब्ज टटोलने की कोशिश उन्होंने की है, कई तरीके के निर्देश उन्होंने दिए हैं, क्या लगे? चलिए लगता है हमारा जो पैनल है उस तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको ये बता दूं जिस तरीके से दोनों दल जो हैं वो जुटे हुए हैं और दोनों दल चाहे कांग्रेस की बात करें और चाहे बीजेपी की बात करें, चुनावी मूड में दोनों ही दल नजर आ रहे हैं और आला कमान की बात करें, वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो उनको इसी बात की चिंता कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव राजस्थान में 2018 के अंत में होना है और उसके बाद जो चुनाव लोकसभा का है, क्या उसकी बिसात के लिए दोनों जो दल हैं जमीनी स्तर पर क्या तैयार हैं, इसी को देखने के लिए, इसी नब्ज को टटोलने के लिए अमित शाह 3 दिन का दौरा करते हैं। तो वहीं विधानसभा 100 विधानसभा क्षेत्रों के समन्वयकों की एक बड़ी बैठक जो है वो कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी के निर्देश के बाद होती है। तो चलिए हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है, वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, जिस तरीके की कवायद अब देखने को मिल रही है दोनों सियासी दलों के खेमों के अंदर, कहीं कहीं 2018 और 2019 के जो चुनाव होने वाले हैं, पहले विधानसभा का और उसके बाद लोकसभा का चुनाव, क्या अब माने कि ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिशों में दोनों ही पार्टी के आला नेता जो है वो लगे हुए हैं, आला कमान जो है वो लगा हुआ है अमित शाह 3 दिन का दौरा करने, यहां पर बीजेपी के नब्ज टटोलने और ग्राउंड पे कितनी और किस तरीके से काम हो रहा है इसको जानने के लिए आते हैं, तो वहीं राहुल गांधी के निर्देश के ऊपर 100 विधानसभा क्षेत्र के समन्वयकों की एक बैठक आज होती है और कोशिश इसी बात की, जानकारी इसी बात की लेने की कि ग्राउंड पर कितना, धरातल पर कितना काम हो रहा है, क्या हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं, क्या इसी को लेकर ये सारी कवायद। महेश जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? महेश जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आवाज आ रही है, एफएम की आवाज आ रही है। हाँ, एफएम की आ रही है सर।
तो प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जो है वो चुनावी मूड में जो है वो नजर आने लगी है। प्रदेश में 2018 के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों दल जो हैं वो चुनाव की तैयारियों में अभी से ही जुट गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जयपुर का दौरा भी इसी मकसद से होता है और अब कांग्रेस जो है वो भी इसी मकसद से धरातल पर कितना काम हुआ है, किस तरीके से, किस रणनीति पर कांग्रेस जो है वो चुनाव में जा सकती है, इसको लेकर राहुल गांधी के निर्देश पर दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई है। आपको ये भी बता दें, अब प्रदेश के 100 विधानसभा क्षेत्रों के समन्वयक इस बैठक में शामिल हुए हैं। इस बैठक में अविनाश पांडे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, रामेश्वर डूढ़ी, डॉक्टर सीपी जोशी और मोहन प्रकाश भी मौजूद रहे। तो क्या कुछ अब कांग्रेस के खेमे के अंदर हो रहा है, क्योंकि 100 विधानसभा क्षेत्रों के समन्वयकों की एक बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में होती है और राहुल गांधी के निर्देश पर होती है। 3 जनरल सेक्रेटरी इसके अंदर रहते हैं, प्रदेश सचिव जो हैं वो भी इसमें शिरकत करते हैं और सीधे तौर पर अगर कवायद देखी जाए तो कांग्रेस अब अपने खेमे में ये देखना चाहती है कि ग्राउंड पर धरातल पर कितना काम हुआ है और किस तरीके से इसको आगे ले जाया जा सकता है, किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को भुनाया जा सकता है, चुनाव में जाने के किस तरीके की किस रणनीति पर काम किया जा सकता है। हमारे साथ संगीता जी हैं, संगीता जी से जरा समझ लें कि कांग्रेस जो है अब किस तरीके से और किस रणनीति के ऊपर अब काम को लेकर अब विधानसभा चुनाव में जाने वाली है। संगीता जी, आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में होती है, 100 विधानसभा क्षेत्रों के समन्वयक इसके अंदर जुटते हैं और एक बड़ी बैठक इसे कहा जा सकता है, अहम बैठक कहा जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी के निर्देश के ऊपर इस बैठक को किया गया है और सीधे तौर पर चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस अब आगे परफॉर्म करेगी उसकी रणनीति, उसकी जो है किस तरीके से धरातल पर काम करके सामने लाया जा सके उसको लेकर कवायद मानी जा सकती है। क्या लगता है, क्या ग्राउंड पर उतना काम नहीं होता है, इस वजह से आला नेताओं को इन सब की कवायद करनी पड़ती है, बैठ के और निर्देश देने पड़ते हैं, दिल्ली में इस तरीके की बैठकें होती है? देखिए दुर्गेश जी, जनता की मनस्थिति और जनता की भावना को देखते हुए विपक्ष अपना काम कर रहा है और जिस तरीके से पिछले 3.5 साल में आपने देखा कि जनता को किस कदर निराशा हाथ लगी, उसी के तहत विपक्ष अपनी रणनीति के तहत ये बैठक बुलाता है, क्योंकि जनता की भावनाएं कांग्रेस के साथ जुड़ी हैं और उन्हीं भावनाओं पर खड़ा उतरने हेतु कांग्रेस ने ये अहम बैठक बुलाई और निश्चित रूप से जनता के साथ जो वादा खिलाफी हुई या जनता की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ, क्योंकि भाजपा ने आपने देखा कि युवाओं से, महिलाओं से, किसानों से, सब तरीके से, सब लोगों से एक वादा किया और मैनिफेस्टो जारी किया कि जो सेंटर का मैनिफेस्टो था उसमें 2 करोड़ रोजगार देने का युवाओं से वादा किया गया और राज्य सरकार ने 15 लाख रोजगार देने का वादा किया। मोदी जी ने स्वयं ये बात कही थी कि 15 हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे और नहीं आए तो 100 दिन में मेरा सर कलम कर देना, लेकिन वो सारी बातें गौण हो गई। और भाजपा की हम बात करें तो जब से इन्होंने चुनाव जीता या सत्ता पर काबिज हुए तभी से लेकर आज तक आप देखें तो जनता के लिए काम ना करना या जनता इनके लिए गौण हो गई और इनका जो पूरा जो ध्यान था या उद्देश्य था वो दूसरे, जो 2018 का चुनाव राज्य का चुनाव हो या 2019 का चुनाव केंद्र का चुनाव हो, उस पर इनका ध्यान केंद्रित रहा। जनता के किए गए वादे इनके लिए
लिए गौण हो गए। तो जनता को जो निराशा हाथ लगी उसी के फलस्वरूप कांग्रेस ने विपक्ष का काम, जनहित के मुद्दों को उठाते हुए विपक्ष का काम भी किया और अब जनता की भावनाओं पर खरा उतरने के लिए, क्योंकि जनता कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है और जनता चाहती है कि हम लोगों के साथ जिस तरीके से जुमलेबाजी हुई या हमें जुमले पढ़ाए गए वो अब हमें नहीं चाहिए। उसी के तहत कांग्रेस ने ये जो बैठक थी, अहम बैठक दिल्ली में बुलाई। पारिक साहब, आप तक मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से जी जी संगीता जी, देखिए आपने देखा कि अभी राजस्थान में अमित शाह जी का दौरा रहा, तो आप ये देखने कि फेंकने की भी कोई हद होती है। और चूंकि अमित शाह जी तो खुद अपने आप को कहते हैं कि चुनावी दौर में जुमले बोल दिए जाते हैं और जनता उन जुमलों पर ना जाए, बिल्कुल उसी के तहत उन्होंने फिर एक राज्य में फिर एक कारनामा किया कि एक दिन कहते हैं कि 26 लाख रोजगार दे दिए, दूसरे दिन कहते हैं कि 10 लाख रोजगार दे दिए। तो उनका जो फेंकने की क्षमता है मुझे लगता है इससे कहीं जाता है, ज्यादा है, या जनता को गुमराह करने की जो उनकी चलिए जनता है, जनता सब देख रही है। पारिक साहब हमारे साथ हैं, जरा उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पारिक साहब क्या कुछ कहना है, और जो अमित शाह का दौरा है किस तरीके से देखें अमित शाह के इस दौरे को, क्योंकि आप सत्ता में हैं और अब चुनावी मोड में पूरी अब जो है वो सरकार जो है वो भी नजर आ रही है, विपक्ष के जो दल हैं वो भी नजर आ रहे हैं क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में क्या लगता है, एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है और शायद वही चिंता अमित शाह को भी सता रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेजोरिटी जो है उसके साथ जनता ने भाजपा को जिता के रखा, लेकिन अब भाजपा जो है अति उत्साह कहां से कहें या किस तरीके से इसको देखें, 180 प्लस का टारगेट लिया है, कितना इतना आसान रहेगा ये टारगेट? नहीं, पहले तो क्लियर कर दूं दुर्गेश जी आपको जी, माननीय अमित शाह जी का दौरा राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान भर के हर प्रांत में है जी। उनका 3 दिवसीय प्रवास हर बड़े राज्य में है, छोटे राज्यों में 2 दिवसीय प्रवास है, और जो केंद्रीय जिसको जो है वहां पर दिल्ली जैसे प्रदेशों में, वहां पर उन चंडीगढ़ जैसे क्षेत्रों में वहां एक दिन का प्रवास है, तो ये पूरे राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान भर में मोदी का प्रवास है, राजस्थान उसी श्रेणी में राजस्थान प्रवास हुआ है। 3 दिन के अंदर माननीय शाह साहब ने राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के संक्रमण ढांचे के बारे में पूरी जानकारी हमसे ली है। निश्चित रूप से विस्तार की योजना जो हमारी पूरे हिंदुस्तान भर में चल रही है वो महत्वपूर्ण योजना है, उसके बारे में पूरी जानकारी ली है, जिलाध्यक्षों का फीडबैक उन्होंने लिया है, साथ ही साथ सांसदों से और मंत्रिमंडल के सदस्यों से और विधायकों से बात की है, तो निश्चित रूप से संगठन को मजबूत जो है संगठन उसको और उसमें तेजी काम करने का प्रयास शाह साहब की इस बैठक ने किया है। जिस प्रकार सोना होता है, सोने को उत्प्रेक के अंदर का काम उन्होंने इसमें किया है, तो मान के चलता हूँ शाह साहब की इस बैठक को चुनावी दृष्टि से देखा जा सकता है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन हमारा नजरिया इसमें दूसरा है। हम देखते हैं संगठन के बारे में जानकारी करने का लिए हमारे शाह साहब हमारे बीच आए थे, उस संगठन को ढांचे को और अधिक मजबूत बन सके इस बात को लेकर हमारे बीच आए थे, जनता की भावनाओं को भी जान सके इसलिए हमारे बीच आए थे, और राजस्थान के विकास के कामों के बारे में विस्तृत जानकारी लेने शाह साहब राजस्थान पता रहे थे। तो ये कह देना मात्र पर्याप्त नहीं है, जान सकते थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, धरातल पे क्या कुछ काम हो रहा है। बेसिकली एक ही फर्क है हमें और उनमें, एक कांग्रेस में एक ही फर्क है, हमारा राष्ट्र से छुट्टी नहीं लेता काम होने के बाद भी, और राहुल गांधी को छुट्टी से फुर्सत मिलती काम नहीं होने के बाद भी। तो नानी घर घूमने जाने की आदत हमारे यहाँ पर नहीं है, हमारे यहाँ का कल्चर काम करने का कल्चर है सीधे तौर पर, तो हम तो हमेशा इलेक्शन के मोड पर हमेशा रहते हैं कि कभी भी चुनाव हो राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता है उसको काम करना चाहिए, जनता बीच में रहना चाहिए, जनता की समस्याओं को जानने का प्रयास करना चाहिए। अब आपने हमारे ऊपर कहा कि अति उत्साह में एक स्पष्ट टारगेट दिया, अति उत्साह में नहीं कहा, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो काम किए, केंद्र मोदी जी सरकार ने जो काम किया उनके आधार पर हमने एक स्पष्ट टारगेट लिया है। कांग्रेस ने बड़ी तेजी धौलपुर चुनाव में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सीट नहीं आने वाली, मैं बीच में बोल गया था संगीत प्लीज, आपका समय आया तब बोलिए, आपको समय मिला है, पर्याप्त समय मिला है, धौलपुर के अंदर जानकारी, अरे आप बोलिए हमको बता देंगे उसका जवाब दे देंगे, रुकिए अरे संगीत चिंता मत करिए, जवाब दे रहा हूँ इसका जवाब दे रहा हूँ। संगीता जी आपके पास रुकेंगे, एक बार प्रतिक्रिया पूरी ले लें, उसके बाद आपसे भी प्रतिक्रिया लेंगे जी। यही कारण है,
ये कांग्रेस का अंतर्द्वंद चल रहा है और हम जो जीतने वाले हैं राजस्थान में हमारे विकास के किए हुए कामों के आधार पर जीतने वाले हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र की सरकार उन्होंने जो काम किया उनके आधार पर जीतने वाले हैं, साथ ही साथ हमारा संगठन ढांचा जो मजबूत है उस ढांचे के आधार पर चुनाव जीतने वाले हैं। हमारा संगठन कहीं से भी खंड खंड में विभक्त नहीं है। अब आप खासकर दिल्ली में कांग्रेस का हुआ और मंथन हुआ कांग्रेस बात, राहुल गांधी दिल्ली का नेता को दिल्ली की बैठक बैठा नहीं, राजस्थान के तीनों नेता बैठ के दिल्ली मंथन करते हैं और राजस्थान के 100 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को वहां पर बुलाते हैं तो बात करते हैं। आप दिल्ली में बैठ के किस बात की राजनीति कर रहे हैं, जयपुर बैठते जयपुर बात करते हैं, क्योंकि आप जयपुर में एक जगह इकट्ठा होकर बैठ नहीं सकते, इसलिए आपने प्रयास किया दिल्ली में कहीं इकट्ठा होकर बैठ तो जावे दोनों लोग नेता लोग, इनका एक प्रयास मात्र था जो संगठन ढांचा कमजोर हो चुका है कांग्रेस का उसको ध्वस्त करने का एक छोटा सा प्रयास कांग्रेस का, मैं इसको कह सकता हूँ। चलिए प्रतिक्रिया लेंगे लेकिन महेश जी हमारे साथ हैं। मनीष स्थिति के बारे में जी एक मिनट आपकी एक बार जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने बड़ी हमारे 3.5 साल में वादा खिलाफी की, पहली सरकार है जिसने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र का नाम दिया और जनता के हमारे बीच का एग्रीमेंट बताया, उसका 80% काम पूरा हो चुका है, 1.5 साल का लंबा समय पड़ा हुआ है, हमारे 100% काम पूरा करेंगे, आप हमारी चिंता नहीं करें। जनता तय करेगी, पारिक साहब जनता तय करेगी राजस्थान में, इस बात को आप बताएं जनता के बीच ले जाकर के, आप क्या कोई बड़ा आंदोलन हमारे बीच खड़ा कर पाए ये बताएं, हमारी नाकामी थी तो आप नाकाम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आप सरकार ढंग से चला नहीं पाए थे और आप विपक्ष में भी नकली। चलिए संगीता जी से इन सब पर अपन प्रतिक्रिया लेंगे लेकिन उससे पहले महेश जी हमारे साथ हैं, महेश जी से जरा समझने की कोशिश करें। महेश जी क्या लगता है जिस तरीके से एक तरफ कांग्रेस भी जुटी हुई, एक तरफ बीजेपी भी जुटी हुई है, बीजेपी 180 प्लस का टारगेट विधानसभा में लेकर चल रही है और मिशन 25 लोकसभा के लिए लेकर चल रही है, अब जैसा कि पारिक साहब कह रहे हैं अति उत्साह नहीं है, हमारा काम बोलता है। उधर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वो अभी कोशिशों में लगी हुई है, दिल्ली में एक बड़ी बैठक होती है, अहम बैठक होती है और ग्राउंड पर काम करने की बात होती है, क्या लगता है चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के जो आला जो पदाधिकारी हैं आला कमान है उनको इस बात की चिंता होने लगती है कि धरातल पर कितना काम हुआ है, क्योंकि वोट धरातल से ही मिलते हैं, धरातल के काम से ही मिलते हैं, ये बात तय है, तो क्या उसी डर की वजह से ये सब कुछ, अमित शाह 3 दिन तक आते हैं, अब राहुल गांधी के निर्देश के ऊपर बड़ी बैठक होती है, पहले अब 100 विधानसभा क्षेत्रों के समन्वयकों को बुलाया जाता है और आगे भी इस तरीके की कवायद कांग्रेस में भी देखने को मिलेगी, क्या लगता है क्या जनता जो है वो केवल इतनी उसकी भूलने की आदत है कि केवल जो साल भर का जो समय होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए जो काउंटडाउन का जब मामला शुरू होता है चुनाव से पहले का जो 6-8 महीने का समय होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो राजनीतिक दल है उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। लगातार 2 साल जो है आने वाले जो है मैं चुनावी एक तरह से वर्ष कह दें इनको वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, 2017 में तो आपके गुजरात और हिमाचल के चुनाव होने वाले हैं, 2018 में 4 राज्यों के होने वाले हैं और 2019 में लोकसभा के चुनाव होने, तो ये हर मायावती से लेकर के नरेंद्र मोदी तक की सरकार, ये जो नेता हैं वो सारे के सारे अब चुनाव के मूड में आ गए हैं। आप ये देखिएगा कि अभी 1-2 महीने पहले से ही मतलब भाजपा ने चुनावी रणनीति तय करना शुरू कर दिया था, साल सरकार के 3 साल होने पर केंद्र सरकार, इसी तरह से कांग्रेस ने भी राहुल गांधी जो बांसवाड़ा में जो चुनाव वो जो सभा को संबोधित करने गए थे तो वो भी मतलब क्या होता है ना उसी क्रम में देखा जाए, आज जो मतलब प्रधानमंत्री जो दिल्ली के अंदर अपने राजस्थान के सांसदों से मिल रहे हैं वो भी इसी क्रम में है और साथ साथ ही जो आपके जो समन्वय कांग्रेस के जो समन्वयकों की जो बैठक चल रही है वो भी इसी क्रम में देखा जाना चाहिए। इससे पहले राज्यसभा में जिस तरह से मायावती ने जो इस्तीफा दिया है वो अपनी मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए उनको इस्तीफे दे की एक प्रक्रिया उन्होंने दौराने राज्यसभा में ही मतलब उस कार्रवाई में व्यक्त कर दिए कि हर इस समय जो मतलब दल जो है वो राजनीति के चुनावी रणनीति और तैयार कार्यक्रम तैयार करने रणनीति तैयार करने, अब सवाल ये आता है कि भाजपा का तो सत्ता में जो है अभी उसे तो अपने को वापस से सत्ता में आना है क्योंकि इन्होंने 2022 तक का अपना लक्ष्य बना रखा है कि किसी भी रूप में 10 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो ये इसके लिए वो पूरी कवायद चल रही है और चूंकि कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है तो उसे सत्ता में वापस आना है,
ये मतलब ये दोनों में बेसिक ये डिफरेंस ये है, एक सत्ता में कायम रहना चाहती है, एक सत्ता में कायम होने की कोशिश कर वापस आने की लौटने की कोशिश कर रही है। इसके लिए जो अभी जो अमित शाह जी का जो राजस्थान का जो दौरा था, ये प्रवास का जो 110 दिन का जो बता रहे हैं शाह साहब का जो प्रवास पूरे देश भर में, ये पूरा चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए इसमें मकसद है। और साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है इनकी, अब सरकार जो मौजूदा जो है जो बूथ लेवल की जो बात कर रहे हैं, तो ये बूथ लेवल तक वहां तक विस्तारक अपनी सरकार की जो भी मौजूदा उपलब्धियां हैं उनको आम जन तक पहुंचाने के लिए, बूथ लेवल तक पहुंचाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। इसमें इस प्रयास में वो ये भी चाह रहे हैं कि सत्ता और संगठन में समन्वय बनाए रहे, और सत्ता संकट में समन्वय के साथ साथ ही जो हमारी उपलब्धियां वो वहां तक पहुंचे। और ये क्या कि जिस तरह का एक एक चीज और बताई है उन्होंने, उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी जो अधिकृत प्रवक्ता को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से कोई बयानबाजी न करे जिससे अनावश्यक रूप से विवाद के विषय बने। अब सरकारी योजनाएं जो जितनी बड़ी है, अभी जो इसमें जो जो तीन दिन का जो कवायद हुई है भाजपा की, उसमें एक तो ये बात क्लियर हो गई है कि उन्होंने वसुंधरा राजे के नेतृत्व को क्लीन चिट दे दी है, और उन्होंने ये तारीफ करते हुए कि वसुंधरा सरकार ने जो भी कार्यक्रम चलाए हैं वो सही चलाए हैं और सही मतलब क्या होता है ना भयभूति के लिए चलाए हैं। और साथ साथ ही उनको क्लियर भी ये भी दे दिया है इंडिकेशन कि आगे अगला वो जो चुनाव होगा वो उन्हीं के नेतृत्व में राजस्थान में लड़ा जाएगा। अब आता है कि कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, तो कांग्रेस जो है जो अच्छा वो जो शाह साहब की मैं वापस आ रहा हूँ भाजपा की, जो जो जिस तरह से दलित के यहाँ इन्होंने भोजन किया है, तो वो दलित का यो इस क्रम में भी देखा जा रहा है कि भाजपा का जो है पिछले कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे दलित विरोधी मतलब क्या कहते हैं ना उसको छवि बनी है, विपक्ष ने इम्पोज करने की कोशिश की कि ये सरकार जो है, तो इसकी छवि को दूर ठीक करने के लिए उन्होंने ये कि दलित के यहाँ भोजन किया, उससे पहले एक जगह और भी मतलब महाराष्ट्र में भी वो जाकर के उन्होंने भी ये दलित के यहाँ ही भोजन किया है। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो ये पूरा क्रम मतलब जो भी है सब समुदाय 36 कौमों को साथ जोड़ने के लिए, और जो भी कवायद हुई है और जो आपस में जो है कहाँ हमारी प्रगति हुई है, कहाँ हम पीछे हैं, कहाँ हम आगे हैं, क्या चुनौतियां हैं, ये परस्पर मतलब क्या कहते हैं इस तरह का एक कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो ग्राउंड रियलिटी है धरातल पे कितना काम हो रहा है और क्या कुछ नब्ज कह रही है, ये टटोलने की कोशिश कांग्रेस में भी चल रही है और बीजेपी में भी चल रही है। अब फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बयानबाजी को लेकर दोनों ही तरफ से जो आला नेता है उन्होंने लगाम लगाने की बात कही है, क्या विपक्ष की भूमिका कांग्रेस सही से निभा पा रही है, क्योंकि लगातार बीजेपी का यह भी आरोप है कि सकारात्मक भूमिका जो विपक्ष होनी चाहिए वो कांग्रेस नहीं बना पा रही है। और यही उन्होंने ये भी कहा है कि एक कोई भी बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस उठा सकती थी बीजेपी के खिलाफ, ऐसा कोई भी एक भी मुद्दा नहीं उठाया, तो किस मुंह से कांग्रेस जो है वो चुनाव में जाएगी। तो वहीं जिस तरीके से मिशन लेकर बीजेपी चल रही है, क्या वो एक बड़ा एक मिशन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की परिपाटी राजनीति में देखने को मिली है प्रदेश की, उसमें एक टेन्योर बीजेपी का होता है, एक टेन्योर कांग्रेस का होता है, तो क्या लगता है किस तरीके की स्थिति आने वाले चुनाव को लेकर होगी और दोनों राजनीतिक पार्टियों का किस तरीके से इसको लेकर कवायद करने का और इसके ऊपर मंथन करने का प्रयास होगा, और कितने विश्वास जनता में दोनों ही पार्टियों की तरफ से लाया जाएगा, ये एक बड़ा मुद्दा होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चुनावी मोड में जो राजनीतिक दल आ गए हैं उसको लेकर। एक तरफ अमित शाह जो है वो तीन दिन के दौरे पर राजस्थान में रहते हैं और नब्ज टटोलने की कोशिशों में रहते हैं, और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली में एक अहम बैठक होती है, 100 विधानसभा क्षेत्रों के समन्वयकों को लेकर बैठक की जा रही है। चलिए पैनल की तरफ एक बार फिर चलते हैं, और हमारे साथ हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जुड़ गए और आगे की जो बहस है वो आगे लेंगे। शुक्रिया दुर्गेश। तो हम बात कर रहे हैं
2018 और 19 को लेकर के 19 में देश भर में चुनाव होंगे और 2018 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने प्रस्तावित हैं होंगे ड्यू रहेगा 2018 में। लेकिन इससे पहले ही राजस्थान में राजनीतिक दलों को पूरी तरह से चुनावी मूड में होता दिखाई दे रहा है। वजह साफ है कि सत्ता हर किसी को लोकप्रिय है। यहां पिछले कुछ टाइम से एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि ये जो अब चल रहा है एक बार आप एक बार हम एक बार आप हम इसको तोड़े और लगातार दूसरा टर्म करने की कोशिश करेगी। अमित शाह ने संकेत भी दिए है कि हमारे संगठन को हम 5 महीने में अजेय संगठन के रूप में स्थापित करेंगे, उसकी तैयारी शुरू कर दी है। बूथ लेवल पर मजबूती के लिए उन्होंने 7 दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही कांग्रेस की पहल है कि विधानसभा वार जो कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं उन्हें पूरी ताकत के साथ मजबूत करें, वो अपनी एक्सरसाइज करें ताकि इकाई स्तर पर कांग्रेस मजबूत हो सके। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती है कि बीजेपी सत्ता में वापसी करके दूसरा अपनी पारी खेलने के लिए मजबूती से अपना दावा पेश करेगी, और दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि क्या बीजेपी से सत्ता छीन करके एक बार फिर काबिज होगी। चलिए महेश जी से मैं मुखातिब हूंगा। महेश जी, क्या लगता है आपको कि ये तो मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि दोनों ही राजनीतिक दल बहुत पहले चुनावी मोड पे दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों के मूड में है, ये पूरी की तरह चुनाव की कवायद चल रही है और निकट भविष्य में भी जैसे ये है कि 2017 में भी दो राज्यों में चुनाव होंगे, गुजरात है हिमाचल है, उसी तरह से राजस्थान में दिल्ली को छोड़ के बाकी 4 स्टेट में अगले साल भी चुनाव है और फिर लोकसभा का चुनाव है। तो इन चीजों को लेकर के अभी से ही प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी को तो यह है कि सत्ता में अपनी कायम उसमें मजबूती बनाए रखनी है, उनके लिए एक चुनौती बनी हुई है। तो वहीं कांग्रेस जिससे सत्ता छीनी हुई है वो वापस सत्ता में काबिज करने की कोशिश कर रही है। तो लिहाजा अभी से तैयारियां चल रही है, एक दूसरे के जो वीकनेसेस हैं और एक दूसरे की जो उपलब्धियां हैं या उनको चीजें गिनाने के लिए और उसको अपना प्रभाव आम जन तक पहुंचाने के लिए ये कवायद चल रही है। जी बिल्कुल। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने ही चुनौती इस नाते है कि एक वापसी करने की कोशिश करेगी और दूसरी सत्ता पे काबिज होने का प्रयास, तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और साथ ही बात करें कि पार्टियों में ये केवल ये नहीं कि यहाँ का स्थानीय जो संगठन है प्रदेश का उसी स्तर पे हो, दोनों ओर से ही केंद्रीय नेतृत्व भी पूरी तरह से दखल दे रहा है। और अमित शाह के दौरे के साथ साथ ही तुरंत ही कोऑर्डिनेटर्स की बैठक बुलाई गई है दिल्ली में भी, और बैठक में जो तमाम जो शीर्ष लीडरशिप है राजस्थान की उन्हें एक साथ एक बैठाने की कोशिश की गई है। ये भी कुछ अलग कांग्रेस के एक स्टाइल नजर आ रही है कि यहाँ के लीडर्स को कोऑर्डिनेटर्स को दिल्ली में बुलाया गया है और वहां बैठक की जा रही है। ये जिस तरह की जो दिल्ली के अंदर जो की जा रही है कवायद, अभी हाल ही में अभी बांसवाड़ा के अंदर जो सभा राहुल गांधी की, तो उसमें वो पहले से ही मतलब क्या कहते हैं वहां जितना कुछ करना था क्या इश्यूज और क्या मुद्दे दिए। अब ये है कि उसको ग्राउंड लेवल पर ये किस तरह सक्रिय करें, क्योंकि एक तरह से कांग्रेस बिल्कुल उखड़ गई। आप ये देखिए कि पिछली बार 25 की 25 सीटें चली गई खाते और लोकसभा वाली, और इस तरह से 100, अब जब चूंकि पहली बार हुआ है कांग्रेस के साथ में, और टारगेट इस बार जो सतीश ये जो अपने जो अमित शाह जी जो यहाँ जयपुर में है और उन्होंने जो टारगेट दिया 180 और पूरी की पूरी 25 सीटों को, तो इन चीजों की चुनौती तो है, चाहे भले से अभी है या नहीं, ये धरातल पे कितनी सत्य उतरती है कितनी, लेकिन पहल कोशिश है। लेकिन हाँ, कि प्रतिद्वंदी जो तैयारी कर रहा है तो अपने आप को ही तैयार करना पड़ता है। तो ये एक कवायद है कि दिल्ली लेवल पे हो रही है, और इसका आप ये देखिएगा कि कहीं ना कहीं अभी ये जो है ग्राउंड लेवल पे भी ये जो जब विपक्ष में होती है कोई भी पार्टी तो निश्चित रूप से वो संवाद है, जैसे कानून व्यवस्था का है, किसानों का मुद्दा है, अभी बांसवाड़ा में जो मामला था तो किसानों की समस्या को लेकर बहुत इसको की पॉइंट बनाया गया है। तो निश्चित रूप से जो मुद्दे ढूंढे जा रहे हैं तो एक रोजगार का भी एक मुद्दा बन सकता है, तो ये कांग्रेस की कवायद है। अब इसके बाद में इसका संतुलन बिठाने के लिए सत्ता अपनी उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है, इसके लिए वो बूथ लेवल तक ले जाने के लिए कार्यकर्ताओं को सरकार को भी और समन्वय के साथ मतलब क्या कहते हैं काम करने के लिए अमित शाह जो यहाँ जो अपने निर्देश 3 दिन का जो प्रवास किया उन्होंने,
संगीता जी, कोऑर्डिनेटर्स बनाए आप लोगों ने और करीब 100 विधानसभाओं के कोऑर्डिनेटर्स को पहली पारी में बुलाया गया है। उनको एक प्रशिक्षण के साथ साथ बताया भी जाएगा कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जा सकता है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आए और इधर अमित शाह साहब आए, तो चुनावी मूड में तो दोनों ही राजनीतिक दल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किस तरह से, जैसे कि बूथ की मजबूती के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि बूथ लेवल मजबूत होगा तो हमारा धरातल मजबूत होगा, कोऑर्डिनेटर्स के जरिए आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? देखिए, किसी भी दल के लिए संगठनात्मक ढांचा सबसे पहली कड़ी और किसी भी पार्टी के लिए कही जाना चाहिए कि धुरी कोऑर्डिनेटर्स पे जो आपके बनाए विधानसभा वार बना रहे हैं, बीजेपी बूथ वार बात कर रही है, उस संगठनात्मक ढांचे में विस्तार करने हेतु नई नियुक्तियां भी होती हैं, नया विस्तार भी होता है, उसी के तहत राहुल जी ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई और हमारे कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। लेकिन चूंकि जनता की जो मनस्थिति है या भावना है वो अभी बीजेपी से बिल्कुल, आप ये कहिए, बिल्कुल उखड़ चुकी है और उसी के मद्देनजर विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए उसकी एक पहल भी कर रहा है कि जनता की भावना कांग्रेस के साथ जुड़ रही है और जुड़ी हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जो भूल हुई वो हमें अब नहीं करनी। क्योंकि आप जब अभी महेश जी भाई साहब रोजगार की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से जो 15 लाख रोजगार देने का वादा था, तो अमित शाह जी ने क्या कहा, पहले दिन कहा कि 26 लाख रोजगार दे दिए गए, दूसरे दिन वो कहते हैं कि 10 लाख रोजगार दे दिए गए। तो इस तरीके से जो जुमलेबाजी उन्होंने चुनावी दौर में करी थी, फिर उसी पर वो आ गए। लेकिन क्या जनता इन जुमलों को जानती नहीं है या समझती नहीं है? एक सवाल है, देखिए ये बात सही है कि बूथ लेवल पे या अब विधानसभा पे दोनों ही पार्टियां मजबूती की कोशिश कर रही हैं, और होना भी चाहिए, वहां टीम वर्क बहुत मजबूत होना चाहिए। आप लोगों को मालूम है कि अमित शाह साहब एक दिन पहले 12 लाख या कितने लाख नौकरियां बताते हैं, अगले दिन 26 लाख बताते हैं, दूसरे दिन 10 लाख। हाँ, तो जो भी एक गैप है ये, चलिए आप लोग कहते हैं कि आप लोगों की नजर में एक जुमले हैं, हमारी नजर में नहीं, अमित शाह जी की खुद की बात है, उन्होंने कहा। मेरा सवाल सुन लीजिए, या कई बार नरेंद्र मोदी पे आरोप लगाया जाता है कि बड़बोलेपन, काट की हांडी एक बार चढ़ती है दोबारा नहीं चढ़ती है, चुनौती आप लोगों के सामने यह है कि वास्तव में अगर ऐसा लगता है कि बीजेपी की दावों की पोल खुल रही है और बीजेपी कह कुछ रही है कर कुछ रही है, तो एक चुनौती आप लोगों के सामने, मुद्दा जो आपका है उसे भुनाना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लंबे समय से बीजेपी की कमियों को गिना रहे, और इसमें कोई संदेह भी नहीं होता है कि प्रतिपक्ष के पास में होता यह है कि सरकार की खामियां गिना करके जनता के बीच में जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चाहे और चुनाव हो जिसमें बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली है, उसको लेकर के बीजेपी को लगता है कि हमारा रूट लाइन है, हम सही चल रहे हैं। उदाहरण भी देते हैं नरेंद्र मोदी कि प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हमने दे दिया है, तो इन चीजों को कैसे आप जनता के जहन में उतारने की कोशिश करेंगे? पब्लिक तो एक जैसी है, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। देखिए योगेंद्र जी, आपने खुद ने ये बात कही कि केंद्र के चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद हमने बिहार का चुनाव देखा, वहां पे आपने बीजेपी की दशा देखी क्या रही, हारे वो बहुत। और अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 5 में से 3 में कांग्रेस जीती। ये अलग बात है कि उन्होंने किसी और तरीके से या कुछ भी करके गोवा में अपनी सरकार बना ली, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था वहां ये नहीं, क्योंकि उनको पता था यूपी तो हम जीत गए, तो उनका जो पूरा ध्यान था वो गोवा पर केंद्रित था। लेकिन आप एक चीज देखिए कि जो वादे किए उस पे कितना खड़ा उतरे, ये हम नहीं, इनके विधायक जो ज्ञानदेव आहूजा हैं, उन्होंने खुद ने अमित शाह जी के सामने जब ये बात शुरू की कि 370 का क्या हुआ, राम मंदिर का क्या हुआ, मैं देखिए पढ़ती हूँ, उसकी मैं जानकारी जनता को देना चाह रही हूँ, मैंने प्रिंट मीडिया, लक्ष्मीकांत जी आपका ज्ञान अधूरा, आपने मैंने प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैंने जो मेरे को जानकारी मिली वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, 370 का क्या हुआ, राम मंदिर का क्या हुआ, उनको अमित शाह जी ने चुप करा दिया ये कहकर कि दिल्ली की बातें, दिल्ली आकर बात करें, क्यों जो आपने वादे किए। संगीता जी, चाहे वो राज्य सरकार, मेरा सवाल आपसे यही था, केंद्र सरकार ने, संगीता जी मेरा सवाल यही था आपसे कि चलिए लगातार प्रतिपक्ष नरेंद्र मोदी अमित शाह पे हमला बोल रहा है कि जुमलेबाज पार्टी है, जुमले हैं, चुनावी वादों से कोसों दूर हैं, आप लोगों के पास में मुद्दा है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि ये अपनी फ्लैगशिप योजनाओं को भुनाने के लिए बूथ स्तर पे मजबूत कर रहे हैं, ताकि कार्यकर्ताओं को कहा जा सके कि देखिए हमारी सरकारों ने ये काम किया, हम इसके आधार पे वोट मांग रहे हैं।
आप लोगों के पास में है कि सरकार ने जो लंबे चौड़े वादे किए वो पूरे नहीं कर रहे हैं, उसकी तैयारी की बात करिए। चलिए अगर अमित शाह ने कुछ भी कहा, ज्ञानदेव आहूजा ने कुछ भी कहा, मैं आप लोगों की वो ग्राउंड रियलिटी के बारे में जानना चाहता हूं, क्या वास्तव में ऐसी तैयारी है कि अगर बीजेपी या केंद्र और राज्य की सरकार जुमलेबाजी कर रही है, झूठ बोल रही है, अपने वादों से मुकर रही है, तो आपके पास में बड़ा मुद्दा है, उसके लिए कोशिश किस तरह से करेंगे ताकि जनता के बीच जा सके। इन लोगों ने तैयारी की है कि हमारी फ्लैगशिप योजनाओं को जनता के बीच हमारा बूथ का कार्यकर्ता लेके जाएगा। देखिए योगेंद्र जी, झूठ बोलना आसान होता है लेकिन उसका जो जवाब है वो जनता देती है, और हमारा जो है बूथ लेवल तक हर एक कार्यकर्ता से जुड़ाव करने के लिए पहले से, आज से नहीं पहले से ही हमारा संगठन मजबूत है, और अभी भी वो संगठन ये काम कर रहा है कि बूथ लेवल पर, यही है कि अगर वास्तव में बीजेपी के 27 कार्यकर्ता गले नहीं उतर रहे हैं लोगों के, आप लोग जैसे कह रहे हैं कि जुमलेबाजी है, तो ये आप लोगों के सामने एक चुनौती है कि जनता के जहन में उतारने के लिए कि वास्तव में बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं, कि वादों से मुकर रहे हैं, कि धरातल पे कुछ है कि नहीं है। चलिए लक्ष्मीकांत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं बूथ लेवल पे पार्टी की वर्किंग स्टाइल को मजबूत करने के लिए, पार्टी की फ्लैगशिप योजनाओं को जनता के बीच लेकर के जा सके, और मतदान के दौरान आपकी वो जो टीम है वो काम कर सके, लेकिन प्रतिपक्ष अब की बार आप लोगों के वादे जो हैं उन्हीं को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है। तैयारी आप लोगों की भी है, हम इसे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी इसी मजबूती के साथ में पहल कर रही है कि आप लोग जो वादे किए थे उनको पूरी तरह से खंगाल करके खोला जा सके कि वादे नंबर वन, वादे नंबर टू, इनका हकीकत में क्या हुआ। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के पश्चात से भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था, जिसको आप चुनावी घोषणा पत्र कह सकते हैं, उसको हमने एक जनता और हमारे बीच के एग्रीमेंट बनाया, उसको स्वास्थ्य संकल्प पत्र का नाम हमने दिया, उसके 80% से काम हम पूरे कर चुके हैं। कांग्रेस कहां से कहती है कौन से वादे पूरे नहीं हुए, कौन से वादों की बात करती है, तो समय पर और तात्कालिक समय पर जब इसकी बातचीत होती है इसका लगातार जवाब भारतीय जनता पार्टी द्वारा देते रहे। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँ, कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने बात है, कांग्रेस 15 लाख रोजगार देने का वादा, बिल्कुल अभी आ रहा है, हमारी सरकार बनने पश्चात से भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आज तक किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का एक आरोप देश की सबसे बड़ी पंचायत में लगा पाई कांग्रेस, न राजस्थान की किसी बड़ी पंचायत में लगा पाई कांग्रेस। तो ये बात साबित करती है भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, इस बात को इंगित करता है। जब कांग्रेस की हम बात करते हैं तो राजस्थान की कांग्रेस पूर्ति सरकार रही हो या यूपी 2 और 1 की सरकार रही हो, भ्रष्टाचार के अंदर चरम सीमा पर पहुंची हुई सरकारें दौड़ रही है, इसलिए हमारा सबसे बड़ा भेद इस देश की जनता करती है। तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया था वह वादा, और कांग्रेस की यूपी 1 और 2 की सरकार का भ्रष्टाचार युक्त कांग्रेस भ्रष्टाचार युक्त सरकार का था, वह डिफरेंस हमारे अंदर बीच में है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को हमारी योजनाओं को लोग पहुंचाना चाहती है, लोगों को बता रही है लगातार जाकर, चाहे भामाशाह कार्ड की बात करें, चाहे हम खाद्य सुरक्षा की बात करें या अन्य किसी योजना की बात करें, अगर पैसे बात करें, हर प्रकार की बात करें, अरे आपकी देने क्या है, आप पता जानकारी तो है नहीं, हम जाकर बात करते हैं, आपको जानकारी नहीं आ रही, हमें सीट पर, अरे हमें सब कुछ दिया है, कोई नाम नहीं कहते, हमने कई सारे नाम जोड़े हैं, लाखों से नाम जोड़े हैं, आगे कुछ डॉक्यूमेंट देते हैं, क्या उचित नाम देते हैं, हमें जानकारी है नहीं, आगे सारी बात करते हैं, आपने कुछ नाम दिया, आपके फिर और से मेरा लूट है, छह महीने काम किया, सरकार जाने से पहले अशोक गहलोत सच्चे होने बैठ कर छोटी घोषणाएं की, सारे 5 वर्षों में हर तरह का विचार ध्यान नहीं दिया, जब लगा कि हम जाने वाले हैं, मेरा सवाल, तो उन्होंने एक बड़ी सारे बैठ कर सच्चे होने की बात करके मेरा सवाल की घोषणाएं की, मेरा सवाल पूछी करा कर हवाई सदा ही जुम्मा आया। लक्ष्मीकांत जी, मेरा जो सवाल है, सवाल ये कि देखिए, करप्शन फ्री तो होना ही चाहिए, जनता ने इसी वादे के साथ में आप लोगों को वोट दिया, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। सवाल मेरा यह है कि प्रतिपक्ष आप लोगों को आप ही के अंदाज में घेरने की कोशिश कर रहा है और उसकी तैयारी भी पूरी शुरू कर दी है। इन लोगों का साफ कहना है कि जो वादे किए थे वो जनता के पूरे नहीं हुए। आप लोगों को भी मजबूती के कई कारण हो सकते हैं, आप सरकार की वापसी के लिए उसके दोहराया जा सके ताकि लंबे समय से जो एक मिथक बना हुआ है एक बार ये टूट सके। और दूसरी ओर ये लोग, मुझे लगता है कि जब चुनावी मूड की स्थितियां बन गई हैं, इनके भी पार्टी के उपाध्यक्ष, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आए, हलचल मची है और कह करके भी गए हैं कि बस इसे मेंटेन रखने की आवश्यकता है और मेंटेन रखिए। आपकी कमियों की बात कर रही है कांग्रेस कि जो कमियां और कमजोरियां हैं वो जनता के बीच लेकर के जाएंगे, तो बूथ लेवल पे जो आपका वर्कर है वो इसी पहल के लिए, इसी बात के लिए किया जा रहा है ताकि प्रतिपक्ष के जो हमले हैं उनसे बचा जा सके। देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ स्तर की जो टीम है, जो 10 लोगों की टीम गठित की है, उस पर विस्तार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी योजनाओं के बारे में उसको जानकारी दी जाएगी, वह सीधी जानकारी जनता बीच ले जाएगा, जनता की समस्या कहां पर है,
क्या भामाशाह कार्ड उसका अप्लीकेबल नहीं हो पा रहा, आस्था कार्ड का काम उसका नहीं हो पा रहा, इन सब बातों की जानकारी वह करने प्रयास कर रहा है। वह वहां जाएगा, जनता के बीच में जाकर योजनाओं के बारे में बताएगा, लोगों को जानकारी यदि नहीं है तो देगा, और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी हमारे बूथ से कार्यकर्ता अपने स्तर पर करेगा। तो सीधे तौर पर हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर जनता की समस्याएं हैं, जनता के सुझाव है, उनको लेने का प्रयास करेगा और उनका सुदृढ़ीकरण करने का प्रयास करेगा। संगठन को बताएगा जनता की समस्या क्या है, जनता की मांग क्या है और जनता की नब्ज क्या है। इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता घर घर जा रहा है। आप पिछले जानकारी कर लेंगे, पिछले 6 महीने में हमारे अधिकांश बूथों पर हमारे कार्यकर्ता जा चुके हैं, वहां से फीडबैक आना शुरू हो गया है। ये अमित शाह जी की जो हमारे अमित शाह जी आए, फीडबैक विस्तार को दिया, अलग से विस्तार को बैठक हुई है, विस्तार बातचीत की है। तो ये मान के चले कि भारतीय जनता पार्टी, हम सतर्क रहने वाले लोग हैं, सतर्क रहते हैं, लगातार काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कार्यकर्ता पार्टी है। तो मान के चले भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता लगातार चुनाव के मोड पर है। आप बात करते हैं चुनाव के मोड की, बात करते हैं हमेशा, आप लोग कहते हैं भारत की जो संरचना बना दी आप कांग्रेस के लंबे समय से, वह ऐसी संरचना बना दी कभी न कभी प्रत्येक प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, और हमारी योजना कितनी सफल है इस बात का जवाब तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनता ने सीधे तौर पर दे दिया है, गोवा की जनता ने भी दे दिया है। फिर आप पंजाब की बात क्यों नहीं करते, 23 सीटों चुनाव लड़ रहे थे, मैं जान ले आप इससे बड़ी गंदी है, आपकी आपसे बड़ी इस तरह इस मामले पर चलेंगे। गोवा में पंजाब पिछली सीट पर चुनाव लड़े थे, मात्र 23 सीटों चुनाव लड़ रहे थे मात्र पर, और अभी बात कर रहे हैं, अभी बता देता बिहार में आपकी स्थिति क्या है, यूपी में आप कहां चले गए। अरे भारतीय जनता पार्टी यौवन पर है, अपना ग्राफ ऊपर करती चली है। आपकी स्थिति क्या है, जिन राज्यों पूरे देश में कांग्रेस का शासन हुआ करता था बस सिमट कर 4 राज्यों में रह गई है, नीचे ग्राफ आपका गिरता जा रहा है, इसकी चिंता आप करें। आपकी आज की मीटिंग तय करती है इस बात को, राहुल गांधी योगेंद्र जी बड़ी स्थिति बताता हूं आपको, राहुल गांधी ने आज ही चुनाव मोड पर है भारतीय जनता पार्टी कैसी किमें उजागर करेंगे। राहुल गांधी दिल्ली मीटिंग बुलाई है, आज दिल्ली की मीटिंग में राहुल गांधी उपलब्ध नहीं थे, इस बात को इंगित करता है कांग्रेस कितनी चिंतित है आपके चुनाव को लेकर। क्या बूथ स्तर के पनिशमेंट की बात करेंगे, जिस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने मीटिंग बुलाई है वहां पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खुद उपलब्ध नहीं थे, वहां पर मात्र 3 लोग उपलब्ध थे, अविनाश जी पांडे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ये 3 लोग बैठकर राजस्थान में बात नहीं कर पा रहे थे, इसके खंड खंड होती कांग्रेस को। ये कैसे पता लगा तो 3 लोग बैठक में थे, आप लोगों के माध्यम से पता लगा, आप मीडिया ने बताया, मीडिया की बात अगर ये कहें तो झूठी आप जो कह रहे हैं, हमने उसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट क्लियरेंस दे दिया है, उससे मीडिया एक मिनट उससे मीटिंग में एक मिनट बिल्कुल मोहन प्रकाश, अविनाश पांडे, राहुल गांधी उपलब्ध नहीं थे, ये उन्होंने सरिता जी कहा, राहुल गांधी मीटिंग में थे, आप लोग जैसे थोड़ी देर पहले आप मुझे कहते हैं आपने शुरुआती दौर में उस मीटिंग में मीडिया को आमंत्रित किया, वो फोटो सामने आई है, और हमने उसमें मीडिया को आमंत्रित नहीं किया था, मीडिया हमारी मीटिंग में कहीं उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी बात को बाहर आने के पर मीडिया माध्यम से प्रश्न पता नहीं होता, लेकिन आपकी फोटो टी पर आई है, टी पर राहुल गांधी उसमें कहीं नजर नहीं आते, इसलिए राहुल गांधी ने मीटिंग बुलाई थी, आपका कह देना मात्र कयास मात्र है। चलिए मैं आपको दोनों को अपडेट कर देता हूं, शाम का वक्त मुकर्रर था राहुल गांधी का उस बैठक में शामिल होने के लिए, इनके अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष वहां पे हैं, नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं और अन्य नेता भी मौजूद हैं, और 100 इनके कोऑर्डिनेटर्स बुलाए गए थे विधानसभावार, वो लोग उसमें हैं। सुना है कि 6 बजे बाद में राहुल गांधी का समय निर्धारित था उस बैठक में आने के लिए, अब उसमें आए नहीं आए ये इनके पार्टी का मामला है, लेकिन अभी 6 बजे बात का इनकी एक बैठक हो चुकी है, आप लोगों टीवी मीडिया पे बताया है, बिल्कुल दिल्ली की मीडिया को मैंने देखा है, वहां से कह सकता हूं उस मीटिंग में राहुल गांधी उपलब्ध नहीं थे, जिस मीटिंग में संगीता जी बात से राहुल गांधी उपलब्ध देख सकते हैं कि जहां बिल्कुल सुबह की बैठक नहीं था बताया जा रहा है राहुल गांधी, मैंने ये कहा थे ना, मैंने ये कहा नहीं थे, देख लीजिए इसी में मुद्दा नहीं आया, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय स्तर लगातार प्रयास कर रहे हैं काम करने का, लेकिन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वे सिर्फ और हमेशा छुट्टी के मूड पर रहते हैं, इसलिए उनकी स्थिति छुट्टी वाली रहने वाली है, चिंता का मान के चले छुट्टी की रहने वाली है, हम चिंतित बिल्कुल नहीं कांग्रेस से, हम हमारा ग्राफ बढ़ा हुआ है, हम बिल्कुल तेजी से राजस्थान में चुनाव के और अगर चुनाव जीतने वाले हैं, मेरा साथ इतना सा है कि बीजेपी अध्यक्ष जो है उन्हें राहुल गांधी की छुट्टियों की चिंता है कि आपके बिल्कुल चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं, आप हम हमेशा इलेक्शन मोड पर है, राहुल गांधी हमेशा हॉलीडे मोड पर है। चलिए अच्छी बात है आप लोगों के लिए, तो राहत की बात है, ये तो मेरे ख्याल में कोई चैलेंज ही नहीं रहेगा, अच्छी बात है। तो चलिए महेश जी, ये तो तय माना जाना चाहिए आने वाले चुनाव के अंदर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इस देश की राजनीति मुद्दों से भटक चुकी है, ये माना जाना चाहिए। फ्लैगशिप योजनाओं के नाम पे केवल महज भवंडर कहा जा सकता है, कोई गवर्नमेंट हो चाहे किसी की भी हो, धरातल ये हकीकत
केवल अगर दावा करना है तो पार्टी कोई सी भी हो, अहंकार में डूबी पार्टी कह सकते हैं, सत्ता का मदहोश है वो ऊपर चढ़ा हुआ है। किसी राजनीतिक दल में देख लीजिए, पिछली बार जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात की जाती थी तो यही कहते थे कि जनता खुशी की लहर है, जनता में ये है, उसी मोड पे वही भाषा आज बीजेपी के वर्कर प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या माना जाए? वास्तव में आज हकीकत की स्टोरी जो मीडिया में आती है उनमें और दावों में बहुत अंतर है। चाहे अमित शाह साहब दावा करें, चाहे वसुंधरा जी करें, चाहे अशोक परनामी साहब करें, या इससे पहले जो इनकी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रवाहन जी रहे हैं, चाहे अशोक गहलोत रहे, जब मीडिया की रिपोर्ट्स आती है तो उन्हें खारिज किया जाता था, बिल्कुल सच्चाई से कुछ दूर हैं, लेकिन आईना दिखाया जाता है मीडिया की तरफ से। तो ये माना जा सकता है कि आने वाला चुनाव 2018 को मुद्दों पर आधारित हो सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं, मुद्दे भी बनेंगे, रणनीतियां भी तय हो रही है, और ये भी मान के चलिएगा कि जिस तरह से आप ये देखिएगा कि एक डेढ़ साल से जो जिस तरह नहीं, मुद्दा केवल ये रह गया कि इनके वादे महज जुमले हैं, हमारे वादे सही हैं, मुद्दे जो जनता के हैं वो मुद्दों का क्या हुआ? ये तो पार्टी बेस्ड मुद्दे हुए। हाँ, ये वाली है कि सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाने की वहां जाएगा और मतदाता के पास, और वहीं विपक्ष अपने मतलब क्या होता है, इसके नाकामयाबी को और अपने शासन की बातें दोहराएगा। ऐसी सूरत में जो जनता है वो इतनी जागरूक हो गई है कि सब मालूम है उसको, मतलब क्या है, उसने उसको भी देखा और इसको भी देखा, वो तोल के अपना वोट देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह से इसमें कोई दोहरा नहीं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये सब ये मान के चलते हैं कि बूथ लेवल पर बिल्कुल जो भी जितने अपने मतदाता को लेके आएगा और उसे अपनी योजनाओं से कन्विंस, वो उसकी उपलब्धि है, वो उसकी उपलब्धि और वो वही उसके जीत का एक मंत्र होगा। अब आप ये बताइए कि पहले ये कहा जा रहा था कि नोटबंदी से इनकी साख, उसके बाद में जो चुनाव हुए उसके भी परिणाम जीत बिल्कुल मिली है। यहाँ तक कि यूपी का अब ये जो सतीश शाह की, ये अमित शाह की जो यहाँ जयपुर में जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने वो कवायद किए जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया है, तो वो फार्मूला यहाँ ला रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये मालूम है कहीं ना कहीं उनको सफलता मिली है। तो ये कांग्रेस के लिए भी एक इस बार का जो चुनाव है वो भी लोहे के चने चबाने वाला होगा, क्योंकि उसे सत्ता में आना होगा, आना है तो उसके लिए उसको कवायद करनी पड़ेगी, आंदोलन उसके जनता की मुद्दों को लेकर के सड़कों पे आना पड़ेगा, तभी तो उसे दिखेगा कि क्या चीज हकीकत है। हकीकत में विपक्ष ही सड़क पे ला सकता है इसको, आपके रोजगार मिला कि नहीं, किसान की क्या समस्याएं, और मतलब जितने भी हैं पानी बिजली की और आम समस्याएं जिससे आम आदमी रोजगार को भी मतलब क्या कहते हैं परेशान हो रहा है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ये मुद्दे कैसे बनते हैं, किस रूप में रणनीति आती है, यह अभी फिलहाल भविष्य के गर्भ चले। लेकिन राजस्थान में पहले इतिहास के अगर पन्नों पे हम जाएं तो राजनीतिक दल करीब 6 महीने पहले, जो आज की स्थिति है चुनावी मोड और मूड दोनों की, वो 6 महीने पहले दिखाई देती थी, वो चाहे भरोसा शेखावत का वक्त रहा हो या उससे पहले की बात हो या उसके कुछ साल बाद तक की बात हो, लेकिन अभी इस बार के लिए बात करें तो चुनावी मूड में बहुत लंबे समय से कुछ तो ऐसा रहा कि बाई इलेक्शन होते रहे तो इस वजह से ये स्थितियां जो है वो खत्म नहीं हो पाई, और अभी भी करीब हमारे यहाँ 1.25 से 1.5 साल का वक्त है, लेकिन चुनावी तैयारियां कही जा सकती हैं। और मैं संगीता जी एक बात कहना चाहूंगा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हवा की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव जीतना था बीजेपी के लिए एक कठिन परिश्रम और कड़ी चुनौती थी, लेकिन जो सफलता मिली वो कहीं ना कहीं बीजेपी का अपना जो प्रयोग था उस एक्सरसाइज की सफलता मिली। बेशक देखे प्रतिपक्ष में रहकर के आरोप लगाए जा सकते हैं, काम लगाने का भी है, कोई नई बात आप लोग नहीं कर रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रणाली हमारी परंपरा भी रही है, लेकिन चुनौती आप लोगों के लिए भी है कि वास्तव में यूपी में ऐसा क्या किया था बीजेपी ने जिसकी वजह से अकेले के दम पर इतना प्रचंड बहुमत लेकर के आए। और ये कि जब सफल होता है कोई व्यक्ति तो उस प्रयोग को आगे बनाने की कोशिश करता है, तो अमित शाह जिस रूट पे जा रहे हैं वो उनकी सफलता का जो प्रयोग किया उससे बढ़ रहे हैं। आप लोग अपनी एक्सरसाइज जो है, इन्होंने तो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने जो प्रयोग करके देखा था उसमें सफल रहे, तो उसी रूट को हम राजस्थान में फॉलो करेंगे, लेकिन आप लोग कुछ ऐसा भी वो रणनीति सामने नहीं लेकर के आ पा रहे हैं कि जिसकी वजह से बीजेपी को आप घेर सके, कह सके, कोऑर्डिनेटर्स की बैठक तो बुलाई है लेकिन किस स्तर पे होगी, कैसी होगी, जो पार्टी सत्ता पक्ष में है उसे सत्ता खोने का इतना चिंता है कि हम हमारे कार्यकर्ताओं का भी से मजबूत करें, आप लोगों को तो डबल मेहनत करनी चाहिए कि हमें सत्ता में वापसी करनी है। खैर चलिए, जैसे जैसे वक्त आता जाएगा हो सकता है कि तैयारियां और तेज हों, लेकिन इतना तो तय है कि दोनों ही पार्टियां इस वक्त चुनावी मूड में भी हैं और चुनावी मोड पे भी हैं।
जो पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में लंबे समय से पहले ही तैयारियां शुरू हो चुकी है और मुझे लगता है कि और किसी राज्य में इतनी स्थितियां अभी हैं भी नहीं जितनी राजस्थान में अभी चल रही हैं। खैर चलिए, आने वाले वक्त में बीजेपी, कांग्रेस या अन्य दल किस तरह से ताल ठोकते हैं आपके सामने जरूर आएगी और हम आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। समय का अभाव है, इस वजह से खास खबर को यहीं विराम दूंगा और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।